अब तक आपने कई सारे न्यूज़ चैनल में खबर देख ली होगी कि ड्रग चैट में जो के और डी चल रहे थे, दो अल्फाबेट, उसमें डी से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है और दीपिका पादुकोण को समन भेजा जाएगा। इससे पहले करिश्मा प्रकाश, जो उनकी मैनेजर हैं, उनको नोटिस भेजा जा चुका है, समन भेजा गया है और एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। उनसे पूछा जाएगा ये 2017 में जो ड्रग चैट चल रहा था, जिसमें वो माल हैश जो भी मांग रही थी, वो क्या है, क्यों है, कैसे, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, वो सारी बात है। अभी थोड़ी देर पहले कंगना रनौत की टीम का एक मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है और मैं समझता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जिस तरह से अगर कोई ड्रग लेने का आरोपी पाया जाता है, कोई खिलाड़ी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसे बैन कर दिया जाता है, उसे वो खेल नहीं खेलने दिया जाता, क्योंकि तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब ये पाया जाता है कि उन्होंने नशे की दवाओं का सेवन किया और उसके बाद उन्होंने किसी खेल में पार्टिसिपेट करके जीत हासिल की या जीत हासिल करने की कोशिश की, तो उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें कह दिया जाता है कि आप 5 साल के लिए, 3 साल के लिए स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। तो क्यों ना एनसीबी वाले मामले में जितने भी बॉलीवुड के चेहरे आरोपी हो रहे हैं या जिनसे पूछताछ हो रही है या जिन पर शक जा रहा है, क्यों ना उन पर एक पाबंदी लगाई जाए कि ये कोई भी देशभक्ति से जुड़ा कोई रोल नहीं करेंगे, जिसमें कहीं ये आइकन बन रहे हों, कहीं ये रोल मॉडल बन रहे हों, कहीं पर भी ये ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हों कि लोग इन्हें फॉलो करें, ऐसा कोई भी रोल ये ना करें। ये एक सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप नशीले पदार्थ के सेवन करने के आरोपी भी हैं, तो देश की जनता आपको रोल मॉडल के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये एक सुझाव आया है। दूसरी बात, मैं ये सोच रहा था कि पिछले दिनों हमने देखा कि बॉलीवुड की कई सारी फैमिलीज देश से बाहर जाती हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने कहा कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गए हैं, तमाम तरह की बातें होती नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, और जैसा कि आरोपी नंबर वन रिया चक्रवर्ती ने कहा भी था कि 80% बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स लेता है, और जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द ही एयरपोर्ट्स का नज़ारा बदलने वाला है, जहाँ पर आप इन सारे आरोपियों को या तो अलग अलग देशों या अलग अलग शहरों से आते हुए देखेंगे मुंबई की तरफ, जहां उनसे पूछताछ होनी है। क्योंकि जिस तरह से अब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ गया है, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को बुला लिया गया है, हो सकता है आने वाले दिनों में और कई बड़े नाम सामने आए। एक कोई एन अल्फाबेट से कोई नाम चल रहा है, अभी तक नाम सामने नहीं आया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप लोग ये पाबंदी लगाए जाने वाला जो सजेशन है, जो कंगना की तरफ से आया है उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर, उस पर अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि डी फॉर दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा है और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को बुला लिया गया है, उनसे पूछा जाएगा कि ये 2017 के ट्रक चैट में ये क्या बातें हो रही हैं और क्यों वो इस तरह से पूछ रही हैं कि माल है या हैश है या जो भी बातचीत है। तो फिलहाल और भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर और एक नया एंगल निकल कर आया कि क्यों ना इन लोगों पर पाबंदी लगाई जाए। इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं ये ज़रूर बताइएगा।